बात कश्मीर की ही करते हैं। कश्मीर में SRTC कि यूनियन के कर्मचारी जो हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को इनके प्रदर्शन का दूसरा दिन था। ये सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि SRO 157 जो है वो सरकार के द्वारा हटाने का ऐलान कर दिया गया था। इनकी मांग ये है कि इसको ना हटाया जाए। रविवार को इनका प्रदर्शन का दूसरा दिन था और इनका कहना है कि अगर सरकार जो है इनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती है, SRO 157 को नहीं जो बंद करने का ऐलान है उसको वापस नहीं लेती है, तो ये प्रदर्शन जो है और ज़्यादा उग्र होगा और जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि आज ये दो दिन का हड़ताल था, कल एक दिन, आज दूसरा दिन है। SRO 157 जो गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे दे दिया था SRTC को चलाने के लिए, जिसको हमारे एक साल में हमें 25-26 करोड़ इनकम आती थी, आज गवर्नमेंट ने वो हमसे छीन लेने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन हम उसको छीन लेने नहीं देंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को SRO 157 खत्म करना है तो सबसे पहले वो SRTC मुलाजमन का फैसला करे या SRTC को ये कन्वर्ट कर दे GTU में। अगर GTU नहीं कर सकते तो SRO 157 को कैसे ये खत्म करेंगे। हम आज यहाँ के लोगों को भी ये अपील करना चाहते हैं कि SRTC असासे को खत्म किया जा रहा है और आप ये, हम लोग किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।